अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बेटा तुम देव, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी हमारा असली नाम रूपा नहीं, पारो है। नहीं मां, ये आपकी रूपा नहीं, ना ही मेरी पत्नी और ना ही बुलबुल की मां, ये तो एक नागिन है। देवो, और मैं नहीं चाहता कि ये मेरे परिवार या मेरी बेटी बुलबुल के आसपास भी आए। निकलो यहां से। देव, एक बार हमारी बात सुन लो। हम समझा सकते हैं, एक मौका। किस बात का मौका दे तुम्हें, ताकि तुम हमारे परिवार को फिर से बेवकूफ बना सको? बस बहुत हो गया, निकलो यहां से, दोबारा कभी लौट कर मत आना। देव, हमने जो कुछ भी किया ना, जो करना था कर लिया तुमने, प्लीज हम सबको माफ करो, निकलो यहां से। और हाँ, इस बार ना तो बल्लू बनकर और ना ही कोई दूसरा भेस लेकर इस घर में घुसना, समझी? निकलो। एक बार हमें बुलबुल से, देव एक बार देव, नहीं अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं कि हम कितने परेशान थे यहां पर। मैं फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। ये क्या हो रहा है? घर से निकालने की बजाय देव ने इसे अपने गले लगा लिया। खुशी, मुझे देखकर कि तुम ठीक हो। रूपा, हेलो सर, आवाज आ रही है? लाइन पर है आप? हाँ, मैं तो लाइन पर हूँ, लेकिन शायद आपके ये कस्टमर सर्विस लाइन पर नहीं है। मेरी बीवी के नेकलेस का डायमंड मैच नहीं कर रहा है। देखो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कुछ कहना चाहती हो मुझसे, लेकिन प्लीज उससे पहले मुझे सिर्फ 2 मिनट दो। ये देखो कैसा है, अच्छा है ना? देव, हम ये कैसे? मतलब ठान रखी है तुमने कि हमें माफ नहीं करोगे? देखो, मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है,
अच्छे से जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। I'm really sorry. और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। जो गलती हुई है उसके चलते ही रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते ना। तुम्हें वक्त चाहिए, वक्त लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझसे नाराज मत रहना, बात करना मुझसे प्लीज। क्या किस्मत लेकर आई है ये? सच जाने के बाद भी देव ये सब कर रहा है? नहीं, देव की नजरों में पारों को तो मैं गिरा कर रहूंगी। हमें माफ कर दो देव, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, इसलिए सच छुपा रहे हैं। एक बार हमें हमारी बेटी मिल जाए, फिर तुम्हें अपने सारे राज बता देंगे। देखो मेरे पास भी है, फिर हम दोनों सेम सेम लगेंगे। माँ, आपको वो गिफ्ट अच्छा लगा ना? पांच साल पहले मैंने इसे एक अनाथ आश्रम में दे दिया था। तेरी बेटी एक घर की नौकरानी जो छोटी सी गलती करती ही मार खाती है। मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, तुम्हारी बेटी खुद चलकर आएगी तुमसे मिलने। माँ, मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। डर क्यों बेटा, हम तो आप ही के पास है। लेकिन अगर आप चली गई तो मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी, इसी चीज का डर है। नहीं बुलबुल बेटा, अगर ऐसा डर है तो आप इस डर की छुट्टी कर दो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहाँ जाएंगे हम आपको छोड़ के? पक्का आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? हमारी बेटी भी तो अपनी माँ के बिना जी रही है, हमें उसे ढूंढना होगा, जल्द से जल्द ढूंढना होगा। न जाने किस हाल में होगी हमारी छुट्टी। आंटी, चिक्की, तुम यहां? चिक्की छोड़ ना। अरे ये क्या हो रहा है? चिक्की प्लीज छोड़ दे, चिक्की प्लीज। आंटी, चिक्की नाटक था वो। वही तो, नाटक था तो असली में क्यों मारा? सॉरी चिक्की, वो क्या है ना, मोहिनी मैडम का ऑर्डर था कि परफॉर्मेंस एकदम असली लगनी चाहिए, जिससे मैं एक्टिंग बह गई थी। अब मैं आपको असली परफॉर्मेंस दिखाऊंगी आंटी। चिक्की छोड़ दे प्लीज, चिक्की माफ कर दे हमको। बहुत खूब, बहुत जल्दी सीख रही हो तुम। मोहिनी मैडम, मैडम क्यों बच्चे को बढ़ावा दे रही हो? मैम मैम हमें बचाइए प्लीज।
थैंक यू मैडम। आज तुम दोनों की एक्टिंग ने मेरा दिल खुश कर दिया, इसलिए तुम दोनों के लिए एक इनाम है। इन्हें और सजा मिलनी चाहिए। मारा था इन आंटी ने मुझे, बेफालतू के ऑर्डर देती है मुझे। मैं प्रिंसेस हूँ, राजकुमारी। ऑर्डर देना मेरा काम है, लेना नहीं। बड़े होकर एकदम मेरी तरह बनोगी, खूंखार और चालाक। बड़े होने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं अभी से खूंखार भी हूँ और चुड़ैल भी। अच्छा तो ठीक है, अब जल्दी से तुम्हें पांडे निवास जाना है। वहां पर एक बेवकूफ औरत अपने अंदर ममता लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिसकी बेटी बनकर तुम जाओगी और फिर दिखाओगी तुम अपना जादू। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।